सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े गोपाल शर्मा का मानना है कि जिस जनता में राजतिलक करने की क्षमता है, उसी जनता में मुकुट उतारने की शक्ति भी है। ऐसे में अब सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। गोपाल शर्मा पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। गोपाल शर्मा का मानना है कि जनता को लगना चाहिए कि ये देश उनका है और उन्हीं के वोटों से सरकार चलती है। गोपाल शर्मा ने गुरुवार को अपने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद रामचरण बोहरा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी भी गोपाल शर्मा के प्रधान कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे और मंच से कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। गोपाल शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र के अलावा सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काफी कार्य उन्होंने किए हैं। ऐसे में अब गोपाल शर्मा के सामने कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की चुनौती है और इस सीट पर अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।